Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, welcome in fourth semester of second year. And I will teach you the subject of microcontroller having subject code 22426. So, let's start some introduction about the curriculum of microcontroller subject. This slide shows the teaching scheme of microcontroller subject. Here it shows the theory part and practical part of microcontroller subject. This is our theory heads and this is our practical heads for the subject microcontroller. Theory head is divided into end semester exam and progressive assessment. End semester exam, the maximum for this is 70 mark and minimum mark is 28. Progressive assessment, which is considered under the sessional part, the maximum mark is 30 and minimum is 0. Likewise, total mark for the addition of 70 and 30 mark, which includes 100 marks and minimum mark is 40. Similarly, in practical heads is also divided into end semester exam and progressive assessment. The end semester exam having 25 practical exam, and this hash is shows the it is the external practical exam. Progressive assessment means it is generally based on continuous assessment having 25 maximum mark. So total the practical part is about 50 marks. So this is about the teaching scheme of microcontroller subject. Now this slide shows the curriculum means syllabus of microcontroller subject. Basically, this microcontroller subject having total 5 unit. This is total 5 unit in microcontroller subject. The very first unit is depend on basics of microprocessor and 8051 microcontroller. यही unit हम आज से start करने वाले हैं. तो पहला unit जिसपे बेस है दैट इज बेसिक्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एंड 8051 माइक्रोकंट्रोलर. नाउ दिस कॉलम शोज द मैक्सिमम मार्क अलोटेड फॉर दिस यूनिट. मींस ये जो अपना पहला यूनिट है बेसिक्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एंड 8051 माइक्रोकंट्रोलर, इसके ऊपर 18 मार्क का वेटेज दिया गया है. मतलब 18 मार्क के क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में सॉल्व करने के लिए मिलेंगे यूनिट वन से. सिमिलरली अपना सेकंड यूनिट बेस है 8051 इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर वेटेज है 12 मार्क्स. थर्ड यूनिट बेस है 8051 टाइमर्स इंटरप्ट्स सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन, इसका वेटेज है 16 मार्क. 8051 मेमोरी एंड आईओ डिवाइस इंटरफेसिंग, इसका वेटेज है 12 मार्क्स. एंड लास्ट यूनिट है अपना अप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, और इसका वेटेज है 12 मार्क. तो ये टोटल हमारे मैक्सिमम मार्क है यूनिट वाइज. तो आज से हम स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट यूनिट बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर. बिफोर गोइंग इनटू डिटेल अबाउट द बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, यू ऑल लर्न अबाउट द और यू ऑलरेडी नोन अबाउट द कोर्स आउटकम. मीन्स एक यूनिट का एक कोर्स आउटकम होता है. सिमिलरली इन पांचों यूनिट के हम अभी आगे स्लाइड में कोर्स आउटकम सबसे पहले देखेंगे. सी दिस स्लाइड शोज द कोर्स आउटकम ऑफ ऑल द 5 यूनिट्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर सब्जेक्ट. द वेरी फर्स्ट यूनिट विच इज बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रोकंट्रोलर, which having the course outcome like
एनालाइज आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोकंट्रोलर आईसी, यानी हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में माइक्रोकंट्रोलर आईसी क्या होती है और उसका किस तरीके से आर्किटेक्चर होता है यह हमें पढ़ना है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड यूनिट है इंस्ट्रक्शन सेट और प्रोग्रामिंग के ऊपर, उसमें हमें इंटरप्रेट द प्रोग्राम फॉर 8051 इन असेंबली लैंग्वेज फॉर गिवन ऑपरेशन, यानी हमें इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर से इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो हम 8051 का प्रोग्रामिंग करेंगे असेंबली लैंग्वेज में, वो हमें यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन के लिए करना है। थर्ड, इंटरप्रेट द प्रोग्राम बाय यूजिंग टाइमर, इंटरप्ट एंड सीरियल एंड पैरेलल कोड, इसमें भी हमें प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है, बट यहाँ पे हमें जो प्रोग्राम लिखना है वो टाइमर, इंटरप्ट एंड सीरियल और पैरेलल पोर्ट का यूज़ करके यहाँ पे हमें करना है। तो टाइमर क्या होता है, इंटरप्ट क्या होता है, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट क्या होता है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट, इंटरफेस द मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस टू 8051, यानी यहाँ पे जो हमारा फोर्थ यूनिट है जो इंटरफेसिंग के ऊपर डिपेंड है, मेमोरी और आयो, आयो का मतलब होता है, आई मतलब इनपुट एंड ओ मतलब आउटपुट, यानी मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमें कनेक्ट करना है 8051 के साथ। और लास्ट यूनिट हमें पढ़ना है जो बेस है अप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, यानी कौन कौन से जगह पे, कौन कौन से एप्लीकेशन में माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर सम कोर्स आउटकम ऑफ ऑल द करिकुलम। तो आज से हमें पढ़ना है वेरी फर्स्ट यूनिट, यानी ये वाला कोर्स आउटकम हमें आज से स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट यूनिट विच इज़ बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड 8051 माइक्रो कंट्रोल। फ्रॉम दिस यूनिट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 1.1 विच इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर कॉमा माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो कंट्रोलर, यानी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है ये सबसे पहले हमें पढ़ना है, और माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा हम माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है ये भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। This slide shows the learning outcome for our today's session. Means after completing this our today's session, you all are able to describe features of microcontroller. यानी आप microcontroller के features क्या होते हैं उसको describe कर सकते हैं, compare microprocessor and microcontroller. This is very important point. ये बहुत बार एग्ज़ाम में भी आता है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। एंड थर्ड वन, डिफाइन बस एंड स्टेट देयर टाइप्स। बस क्या होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, और उसके क्या टाइप्स होते हैं ये भी हमें आज के लेक्चर के बाद पता हूँ। हियर इट शोज़ द very important topic, that is comparison between microprocessor and microcontroller. यानी इसके बेस पे फाइनल एग्ज़ाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राइट द कंपेरिजन बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर। तो माइक्रोप्रोसेसर हम प्रीवियसली यूज़ करते थे कोई भी एप्लीकेशन के लिए, बट nowadays वी आर गोइंग विद द माइक्रोकंट्रोलर, बिकॉज माइक्रोकंट्रोलर इज़ मोर एडवांटेजियस than microprocessor. So these are some parameters. On the basis of this parameter we are going to compare microprocessor and microcontroller. The very first parameter is number of instruction used, yani kitne instruction hum microprocessor mein use karte ho aur kitne instruction hum microcontroller mein use karte hain. Instruction matlab kisi ko hum jaise instruction dete hain कि ये काम कीजिए वो काम कीजिए, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और माइक्रो कंट्रोलर को भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं।
तो इंस्ट्रक्शन के बारे में हम सेकंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से प्रकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ वो पैरामीटर कंसिडर कर रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में मेनी इंस्ट्रक्शन टू रीड राइट डाटा टू और फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब बहुत से इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रीड करने के लिए डाटा, या फिर माइक्रो कंट्रोलर के मेमोरी के ऊपर राइट करने के डाटा टू द एक्सटर्नल मेमोरी और फ्रॉम द एक्सटर्नल मेमोरी। सिमिलरली माइक्रो कंट्रोलर में फ्यू इंस्ट्रक्शन टू रीड और राइट द डाटा टू और फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब यहाँ पे हम बहुत कम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। सेकेंड पैरामीटर इज मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैव इनबिल्ट रैम और रोम, यानी माइक्रो प्रोसेसर के आईसी में आईसी के अंदर ही रैम जो मेमोरी होती है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों भी इनबिल्ट नहीं रहती। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में आईसी के अंदर ही रैम और रोम मेमोरी होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर साइज के लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है इनबिल्ट रैम और रोम। थर्ड पैरामीटर है अपना रजिस्टर। रजिस्टर मतलब होता है, जैसे हम कॉपी को भी रजिस्टर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें हम कोई डाटा हम स्टोर करके रखते हैं, तो वैसे ही रजिस्टर मतलब ये एक पर्टिकुलर मेमोरी साइज के लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स जनरल पर्पज रजिस्टर लाइक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो माइक्रो प्रोसेसर में कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होते हैं। बट माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स जनरल पर्पज रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इन एडिशन टू दैट इट कंटेन्स सम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, यहाँ पे SFR मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी होते हैं फॉर टाइमर इंटरप्ट एंड सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये यहाँ पे एडवांटेजियस पार्ट है एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट फोर्थ पैरामीटर है अपना टाइमर। टाइमर हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर इन माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैव इनबिल्ट टाइमर, माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट टाइमर नहीं होता है, बट इन माइक्रो कंट्रोलर इनबिल्ट टाइमर, माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट टाइमर होता है। IO पोर्ट्स, I का मतलब होता है इनपुट और O का मतलब होता है आउटपुट। IO पोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर रिक्वायर्स एक्स्ट्रा डिवाइस लाइक 8155 और 8255, मतलब माइक्रो प्रोसेसर IC के ऊपर ही ऐसे कोई भी पिन्स अवेलेबल नहीं है टू कनेक्ट इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के लिए। अगर अपने को माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करना है तो ये 8155 IC या फिर 8255 IC हमें यूज करना पड़ता है। बट इन माइक्रो कंट्रोलर में IO पोर्ट्स अवेलेबल है, टोटल 4 IO पोर्ट्स अवेलेबल है माइक्रो कंट्रोलर IC में, ईच हैविंग 8 बिट। नेक्स्ट पैरामीटर इज सीरियल पोर्ट। डू नॉट हैव इनबिल्ट सीरियल पोर्ट्स रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा डिवाइस लाइक 8250 और 8251। सीरियल पोर्ट के लिए भी कोई भी फैसिलिटी माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल नहीं है, या जो अपन सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं ऐसी कोई भी फैसिलिटी माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल नहीं है। बट माइक्रो कंट्रोलर हैविंग इनबिल्ट सीरियल पोर्ट, माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट सीरियल पोर्ट है। मल्टी फंक्शन पिन्स, माइक्रो प्रोसेसर में लेस मल्टी फंक्शन पिन्स हैं बट माइक्रो कंट्रोलर में मेनी मल्टी फंक्शन पिन्स अवेलेबल हैं। बुलियन ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशन क्या होता है ये आपने डिजिटल टेक्निक थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है। तो बुलियन ऑपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, माइक्रो प्रोसेसर में बुलियन ऑपरेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है। बट हियर इन माइक्रो कंट्रोलर बुलियन ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बीट, इज पॉसिबल डायरेक्टली, यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन पॉसिबल हैं। अभी माइक्रो लास्ट पैरामीटर है अपना एप्लीकेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे यूज़ किया जाता है और माइक्रो कंट्रोलर कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जनरल पर्पज़ लाइक कंप्यूटर्स एंड पर्सनल यूज़, तो कंप्यूटर्स या फिर पर्सनल यूज़ के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर लाइक सिंगल पर्पज़ डेडिकेटेड एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर, लाइक वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है माइक्रो कंट्रोलर, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में यूज़ होता है, एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस करके भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द कंपेरिजन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर
विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज पर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ दिस स्लाइड शोज द वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक अबाउट द माइक्रोकंट्रोलर, दैट इज फीचर्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर. यानी माइक्रोकंट्रोलर के क्या ऐसे विशेषता है ये हम यहाँ पे देखेंगे, और इसी को हम स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोकंट्रोलर भी बोलते हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 8 बिट डाटा बस एंड 8 बिट ALU. यानी इसमें 8 बिट का डाटा हम सेंड कर सकते हैं. बस मतलब ये एक कम्युनिकेशन इंटरफेस है बिटवीन टू डिवाइसेस. 8 बिट ALU मतलब ALU का यहाँ पे मीनिंग है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसके बदौलत हम अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं. सेकंड वन, 16 बिट एड्रेस बस कैन एक्सेस मैक्सिमम 64 किलोबाइट ऑफ रैम एंड रोम. मतलब इसमें 16 बिट का एड्रेस बस होता है, उस एड्रेस बस के वजह से हम 64 किलोबाइट रैम एंड रोम को एक्सेस कर सकते हैं. ऑन चिप रैम विच इज़ हैविंग 128 बाइट, उसी को हम बोलते हैं डाटा मेमोरी. यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि कंपैरिजन करते समय कि माइक्रो कंट्रोलर के आईसी में ही रैम और रोम अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि रैम इनबिल्ड होती है माइक्रो कंट्रोलर में और उसका साइज़ है 128 बाइट्स, और इसी को हम बोलते हैं डाटा मेमोरी. ऑन चिप रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, उसका साइज़ है 4 किलोबाइट, और उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी. 4 8 बिट डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये भी हमने कंपैरिजन में देखा था. माइक्रो कंट्रोलर में 4 8 बिट इनपुट आउटपुट्स मतलब IO पोर्ट्स अवेलेबल है, जिसके बदौलत हम टोटल 32 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं. प्रोग्रामेबल सीरियल पोर्ट्स दैट इज 1 UART, उसी को बोलेंगे हम सीरियल पोर्ट. सीरियल पोर्ट्स यानी सीरियल कम्युनिकेशन अगर अपने को करना रहा तो उसके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है माइक्रो कंट्रोलर IC के ऊपर. 2 16 बिट टाइमर्स दैट इज टाइमर 0 एंड टाइमर 1, दो टाइमर्स इनबिल्ट है माइक्रो कंट्रोलर में, जिसका नाम है यहाँ पे मेंशन किया गया है टाइमर 0 एंड टाइमर 1. नेक्स्ट, वर्क्स ऑन क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी ऑफ 11.059 MHz. क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में हमने अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में पढ़े. अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने थर्ड सेमिस्टर में जो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है उसमें हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर के ही बारे में पढ़ा कि क्रिस्टल एक पर्टिकुलर मटेरियल है जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो वही क्रिस्टल ऑसिलेटर हम माइक्रो कंट्रोलर IC में यूज़ करने वाले हैं, जिससे माइक्रो कंट्रोलर को कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी मिलेंगी, और वो फ्रिक्वेंसी है 11.09 MHz. यह आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ द क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी विच रिक्वायर फॉर द माइक्रो कंट्रोलर. ऐसा अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको बताते आना चाहिए कि 11.059 MHz इतनी फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर देता है माइक्रो कंट्रोलर. नेक्स्ट, 6 इंटरप्ट्स आर अवेलेबल, रिसेट, 2 इंटरप्ट्स टाइमर दैट इज टाइमर 0 एंड टाइमर 1. तो टोटल 6 इंटरप्ट्स अवेलेबल है माइक्रो कंट्रोलर में. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन. सो आफ्टर कंप्लीटिंग अवर टुडेज लेक्चर, नाउ यू ऑल आर एबल टू तो डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, एंड सेकंड वन इज कंपेयर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर. ये दोनों टॉपिक आज हमने कवर किए, एंड ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग इनटू डिटेल अबाउट द माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट. ओके, थैंक यू सो मच.
In next lecture, we are going to start about the different types of buses and the architecture of microcontroller. Thank you so much.